तकरीबन 3,500 लोगों को फायदा मिल चुका है ये कैंप। अभी तक मेरे ख्याल से 1500 से ऊपर पेशेंट आ चुके हैं यहाँ पे, हार्ट का, कैंसर का, डायबिटीज का, पैथोलॉजी का है, जो भी है, चश्मे का है, चश्मा फ्री दिया जा रहा है, और जितने भी टेस्ट है ऑलमोस्ट ऑल किए जा रहे हैं, हिजामा का, सारी चीजें की जा रही है। यार ये बताइए कि आप काफी टाइम से आप मेडिकल कैंप रहते हैं, उसमें अभी तक कितने लोगों को फायदा हुआ? तकरीबन 3,500 लोगों को फायदा मिल चुका है ये कैंप का। यार फिर गर्दी देखते हुए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा लोग आते हैं, तो फिर उसके बाद आप एक कैंप कब करेंगे? इंशाल्लाह कैंप से यहाँ पे रेगुलर रहेंगे जब तक पेशेंट्स कम ना हो जाए। यार तो ये बताइए और अभी आपके कितने आगे के कैंप लगने वाले, और आप सिर्फ भिवंडी विधानसभा में जो रेस्ट में यहाँ पे रहेंगे और भी रहेंगे? भिवंडी वेस्ट विधानसभा में अभी बर वक्त रहेगा, और हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने मुझे पश्चिम विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, तो मैं यहीं पे कैंप कर रहा हूँ, इसी पे मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों का काम कर रहा हूँ। आप छोटी जगह है, बड़ी जगह है, मगर आप काम करना चाहते हो काम कर सकते हो, काम ही करना है हमको। देखिए चुनाव आते जाते रहते हैं, मगर हम लोग की मेन रणनीति इस वक्त है कि अब की एमपी लोकसभा इलेक्शन है, और इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं कि वोटों के परसेंटेज बढ़ाना है। वोटिंग परसेंटेज जो हमारे लोगों के बहुत कम रहते हैं, 45-46%, और हम लोग ये कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 65-70% तक के ले जाए। हम लोग जागरूकता अभियान कर चलाएंगे वोटिंग के लिए, वोट करो, और बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हम लोग वोटिंग के लिए। यार तो ये भी बताइए, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे विधानसभा? जो भी सेकुलर पार्टी रहेगी, जो भी देश के हित में रहेगी, इंशाल्लाह उसके लिए काम करेंगे, मगर सेकुलर रहना चाहिए। कम्युनल पार्टी को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। यार भाई ये जो कैंप आपने लगाया है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है, तो इसको लेकर फिर आगे कब कैंप लगने वाला है? देखा है तो ये स्लम एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए। इंशाल्लाह जल्दी फिर कैंप लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पे स्लम एरिया, तो यहाँ पे काम किया जाएगा, और यहाँ पे हम लोग आए तो इंशाल्लाह और भी देख, पब्लिक देख के, लोगों को देख के लग रहा है कि औरतों की कुछ एक्टिविटी यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग इंशाल्लाह।